कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय यं प्राप्रजन तमनुतेतं तेजकृष्णं द्वैपायनोऽभिः तद्याति भाव सूत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूतपरिचयम् गुलाब फूल की माला जो ले आए उसके साथ साथ हमारा पूरा कपड़े का सेट लेकर के ठाकुर जी से भी कह दो ये हमारे लिए वो कपड़े भिजवा दिया है। हाँ तो गुरु जी का ले आए तो गुरु जी से कह दो ये महाराज जी के लिए कपड़े जो पहने हुए हैं वो पूरा सेट चाहिए सफेद हम उसको रंग नहीं तो वो कपड़े ऐसे हो जाते पहना नहीं जाते। दूसरी बात अभी हाँ मैं अपने जो हमारे साथ जाते हैं अभी मैं रशिया जा रहा हूँ रूस जा रहा हूँ 13 तारीख को यहाँ से निकले आज 11 है 12 कल ही का दिन बाकी है और परसों है 13 तारीख को मैं यहाँ से 5:30 के अंदर में निकलूंगा दिल्ली जाऊंगा सुबह 13 आई विल गो फ्रॉम हियर टू दिल्ली इन सोमनाथ और एनी वेयर इन देयर 13 हम 13 तारीख को यहाँ से निकल करके दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में 13-14 पर आकर के 14 शायद कोई प्रोग्राम है प्रोग्राम करके 15 तारीख को हम लोग वहां से निकलेंगे लौट करके आएंगे 27-28 तारीख तक आई विल रिटर्न ऑन 28 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे तो दिल्ली में विश्राम में 1-2 दिन लग गया तो विश्राम करके 2 दिन तक विश्राम करके तब यहाँ आएंगे तो यहाँ हो सकता है कि 31 या 1 तारीख को और वहां रूप गोस्वामी का रूप गोस्वामी का कब है 30 को यहाँ पर पहुंचना पहुंच करके और तब यहाँ का झूलन झूला कर तुम आ जाएंगे इसके बीच में तुम उनसे वो लोगों से पूछ लो कौन कौन आएंगे और उसके अतिरिक्त और 2-4 आदमी यदि आ सके नृसिंह बल्लभ का लड़का है पद्मनाभ जी से पूछ लेंगे और प्रेसिडेंट जो बनते हैं उनसे भी पूछ लेंगे क्या नाम है आज जो प्रेसिडेंट हम जिनको बनाते हैं सभापति उनसे भी पूछ लेना आएंगे कि नहीं और जो वहाँ वन भरा जी के यहाँ आए उनमें से जो कोई आ सके तो विभिन्न दिनों में उनको दे अचित भट्ट तो है सभी कुछ पहले और सब भी जितने हैं और वो उनसे चिट्ठी बनवा लेंगे पत्र और तुम पत्र लेकर के दे आए यदि सभापति वो न रहे रहेंगे और हाँ सब तुम बुलाओ तो सब ना आए आए मैंने बड़े प्रेम से आपको बुलाया आगे तो ठीक है आए वो अपना जो वक्तव्य कहे हम लोग आगे जो वक्तव्य हो कहेंगे सबको आदत रखे तो हमारे आने पर साथ ही साथ में वहां जाकर के सुलल की सब ठीक ठाक रखे उसके बाद फिर मथुरा है मथुरा के लिए जन्माष्टमी करना है बलदेव जी का जन्मदिन मनाना है ये सब
कल हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी का दिव्य भाव तिथि, तो कल हम लोग उसके संबंध में अधिक बात नहीं कर सकते। भगवान का चरित्र बहुत पुनीत है, जिनको भगवान की लीला कथाओं में श्रवण में रुचि नहीं है उसका नाम भी धीरे धीरे धीरे, और दूसरे अंग भी हैं वो धीरे 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 कम हो जाते हैं, उसको छोड़ सकते। किंतु हरि कथा में जिनकी रुचि है वो हरि कथा के माध्यम से उनके नाम में भी रुचि हो जाएगी और सब प्रकार से वो कभी गिरेंगे नहीं। इसलिए भगवान का चरित्र, भगवान का चरित्र कान में सुन करके वो स्वयं भगवान यहाँ पर उपस्थित हो जाए और निर्मल करके उसमें विश्राम। किंतु मेरे समझ से भक्तों का चरित्र यदि भगवान के चरित्र से अलग कर दिया जाए तो फिर दोनों कुछ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के तुलना। भगवान की जितनी लीला कथाएं हैं वो भक्तों के साथ में है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, अग्नि और दहिका दोनों एक साथ, इसलिए भक्तों का चरित्र और भी मूल्यवान है। भगवान के चरित्र को हम लोग ग्रहण करके आगे नहीं बढ़ सकते, भक्तों का चरित्र पढ़ करके उन्होंने कैसे भगवान की सेवा की, कैसे अपने जीवन में साधन भजन किया, उसको हम लोग फॉलो कर, भगवान का चरित्र फॉलो नहीं किया जा सकता। किंतु भक्तों का चरित्र, जैसे नंद बाबा का चरित्र है, यशोदा मैया का चरित्र है, गोपियों का चरित्र है, सखाओं का चरित्र है, महाप्रभु के भक्तों में रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का, स्वरूप दामोदर, राय रामानंदर, रघुनाथ दास गोस्वामी, इसी की लाइन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, श्यामानंद प्रभु इत्यादि का, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का, बलदेव विद्याभूषण का, श्रील प्रभुपाद का, हमारे गुरु जी का जीवन चरित्र जो है, इसका श्रवण करने से, विचार करने से हमको शक्ति मिलती है कि कैसे हम साधन भजन में उन्नत। गोपाल भट्टा का जीवन भी वैसा, कैसे उन्होंने महाप्रभु की कथाएं सुनी, किस प्रकार से माता पिता के पास में रहे और कैसे इसको सब को छोड़ करके अंत में वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में उन्होंने क्या क्या किया, जब उनकी भक्ति के प्रभाव से सालाधाम शिला से दृढ़ीभूत होकर के राधा रमन के रूप में प्रकट हो गए, और राधा रमन साधारण नहीं, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन, हम तीनों का भाव उसमें आए। बहुत कम संसार में ऐसा देखा है जिस किस प्रकार से प्रकट, इसलिए उनका जीवन चरित्र बहुत ही प्रभावशाली है और हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक। आप संक्षेप में कुछ बोलिए तो भक्ति वेदांत माधव मार बोलिए संक्षेप आ जाइए। तुलसी महाराज को यहाँ पर आइए।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं गुरुपाद पद में अनंत की दर्शन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सन्यासी करता हूँ। उपस्थित गोलोकन सज्जन वृंद और मातृमंडली आदेश दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र पर संक्षिप्त आलोचना करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं यशोवन महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत दक्षिण देश में गए थे। उस दक्षिण देश में जाकर के यानी चौ महीना चल रहा है, इस चौ महीना में गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता एवं पितृ पर प्रबोधानंद सरस्वती के घर में ठहरे थे। श्रीमद महाप्रभु के दक्षिण देश जाने का तीन कारण है, उनमें एक मुख्य कारण दो गौण कारण। दो गौण कारण क्या है? एक तरह महाप्रभु ने बताया मैं दक्षिण देश जा रहा हूँ अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने के लिए। विश्वरूप है कौन? जैसे श्रीमद महाप्रभु साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर नित्यानंद के साथ साथ बलदेव प्रभु, इसे विश्वरूप प्रभु है कौन ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे कि कृष्ण लीला में देवकी देवी के सप्तम गर्भ में जो बलदेव प्रभु यानी मथुरा के या द्वारका के बलदेव प्रभु आए थे, कृष्णचंद जगमाया देवी उनको आकर्षण करके रोहिणी देवी गर्भ में स्थापन किया था, दोनों मिलकर के गर्भ में एक हुए। ऐसे ही विश्वरूप प्रभु कौन है? जो बलदेव प्रभु देवकी देवी के गर्भ में आए थे वही है विश्वरूप प्रभु। जब नित्यानंद का प्रकाश होने का समय आया तब विश्वरूप प्रभु अपने तेज अपने समस्त शक्ति नित्यानंद रूप में प्रविष्ट करा करके इस जगत से अंतर्धान हो गए थे विश्वरूप प्रभु। तो महाप्रभु ने बताया कि मैं अपने भाई विश्वरूप प्रभु को ढूंढने के जा रहा हूँ, ये गौण कारण। दूसरा गौण कारण क्या है? कि मैं दक्षिण देश प्रचार में जा रहा हूँ, क्यों जगत को वैष्णव बनाना था। ये दो गौण कारण क्या? जगत दक्षिण देश के सबको वैष्णव बनाना है, प्रचार करना है। और मुख्य कारण क्या है? चंद्र जो अपने दिन भाव को पूरा न कर सके उन भाव को पूरा करने के लिए कैसे आए? करुणा बदना भाई सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकट हुए। तो भाव कैसे सिद्धि हो उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर में जाकर उपस्थित होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहिए। कहाँ गए? गोदावरी तट पर जाके रामानंद राय से मिले, उनसे मिल करके ये सब आसन करके सब समझ करके तब गंभीरा में आकर उनका सदन किया। ये था उनका मुख्य कारण दक्षिण देश जाने का। दक्षिण देश में जाकर के प्रबोधानंद सरस्वती विमल भट्ट एवं वेंकट भट्ट के घर में ठहरे। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी छोटे बच्चे थे, छोटा सा बच्चा था। माँ के साथ में नहाने के लिए कपड़े लेके जाना, गीला कपड़ा लाना, ऐसी सेवा करते थे। चार महीने के बाद जब महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर से आ रहे थे तब प्रबोधानंद सरस्वती आदि को बताया इनका लिखा पढ़ा सिखा करके पंडित बनाना, इनका कभी शादी मत करना, ये महाप्रभु उपदेश देके गए। जब महाप्रभु उनके घर में ठहरे थे तब कुछ उन लोगों में हरिकथा प्रतिदिन होती थी। एक दिन महाप्रभु ने कहा अच्छा भट्ट जी एक बात बताइए तो आपके जो आराध्या है लक्ष्मी देवी ये सती शिरोमणि होकर के भी हमारे जो कृष्णचंद्र हैं उनके साथ संग करना क्यों चाहती है, उनके रास लीला में योगदान करना क्यों चाहती है, कारण क्या है? तो उन लोगों ने बताया कि सिद्धांतस्तु अभिधेयो कि श्रीसर कृष्ण स्वरूपयो रसने उत्कृष्टते कृष्ण रूपमेशा रसस्मृति। दोनों वक्ता तो एक हैं, अगर लक्ष्मी देवी कृष्ण के साथ रास में योगदान करना चाहती हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर
माँ को उन्हें पूछा तब उनको मिला क्यों नहीं, तो आज अब तक आज भी क्यों बेलबन तपस्या क्यों कर रही है। और जगदली तप तो एक है कि सती शिरोमणि होकर के उनके राज में योगदान करना ये तो अच्छा नहीं जस्ता है। कारण क्या है? तो महाप्रभु को उन्होंने निवेदन किया तो वो आप ही कृपा करके बताइए, हम लोग इसका संबंध सभी कर पा रहे हैं। तब महाप्रभु ने बताया देखो गोपियानु दत्त बिना करिले भजने भजिले नहीं पाए श्रीनंदनंदने। जब तक गोपियों के अनुगत न हो तब तक ब्रजनंदन के श्याम सुंदर के भजन करने पर भी उनको रास लीला में प्रवेश लाभ नहीं होता है। लक्ष्मी देवी का यह अभिमान था कि मैं ब्राह्मणी हूं, ये अभिमान है। ब्रज में कृष्ण के साथ रासलीला में नृत्य करने के लिए या ब्रज लीला में प्रवेश करने के लिए ब्राह्मणी भाव छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी देवी अभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी बात, वो कृष्ण को चाहती है, इन कृष्ण के चाहने के लिए उनको ब्रज में किसी गोपी से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और कृष्ण के अलावा और दूसरे किसी गोप से शादी करना पड़ेगा, फिर पीछे कृष्ण छिप छिप करके मिल सकती है। लक्ष्मी देवी कृष्ण के साथ शादी करने के लिए तैयार है लेकिन दूसरे गोप से शादी करने के लिए तैयार नहीं है और गोप भाव भी प्राप्त करने तैयार नहीं है और गोपी अनुगत तक नहीं चाहती है। इन सब कारणों के कारण उनको कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिला। इस समय हमारा प्रश्न हो सकता है कि महाप्रभु अघटन घटन प्रतिनिधि शक्ति के मालिक हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती वेंकट भट्ट एवं दिगंत भट्ट पहले ये लोग रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे, तो महाप्रभु के संग से इन लोगों ने इस भाव को छोड़ करके क्या किया, जुगल किशोर के भजन में प्रवृत्त हो गए। ये महाप्रभु का प्रभाव देख रहे हैं। पंडित समाज में क्या किया ऐसा मक्का ने, क्या जी पंडित समाज में क्या किया, जो सो ये सब तो नहीं कहा, क्या किया प्रश्न मत करो, उसके उत्तर में ऐसे एकदम चलते चलते ये क्या कहना, समय लेना इसकी जरूरत है, नहीं समझा रही सर क्या खान कौन बोल रहा हूँ अभी तक क्या किया ना पूरा संदेश बोले ना गीते पर को अभी बोला है। महाप्रभु अघटन पठन कर सकते हैं फिर क्या किया, ये क्या किया मत करो। और दूसरी ओर देखते हैं श्रीमान महाप्रभु के साथ मुरारी युक्त रहते थे, उनके साथ जब नवद्वीप में सहयोगी थे। मुरारी युक्त को श्रीमान महाप्रभु ने बताया मुरारी युक्त तुम कृष्ण के भजन करो। मुरारी युक्त रात भर सोचते सोचते रोते रहे, अपने भाव को बदल नहीं सके। सोचा अहो मैं महाप्रभु का बात मैं मान नहीं सका, इससे भले ही ये मन मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। दूसरे दिन महाप्रभु प्रातः काल पहुंच गए मुरारी युक्त के भजन कुटी में। अच्छा मुरारी ये काम करना तो वो छुड़ाना तो मेरे लिए मुरारी तो अबाक देखने लगे, लाओ काफी के नीचे रखा हुआ है। मुरारी तो समझ गए कि महाप्रभु ये बात उनके हृदय महाप्रभु जमी है, ये बात समझ गए। तब बताया तुम्हारा राम सेवा में ही सिद्धि है, क्योंकि मुरारी तो हनुमान के अवतार थे, भरत में राम सेवा छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि महाप्रभु के संग से मुरारी युक्ता का स्वरूप का चेंज नहीं हुआ, दूसरे ओर देखते हैं भट्ट परिवार पूरा से पूरा बदल गए। इसे हम सामान्य से कैसे करें, मुरारी युक्त हनुमान जी के अवतार है, उनका स्वरूप में राम सेवा के स्तर का परिवर्तन नहीं हुआ और भक्त परिवार ये लोग को उच्च संग नहीं मिला था, इसलिए उनका जो भाव है स्थायी भाव तो अब तक हृदय में नहीं आया था, वो प्रकाश नहीं हुआ था, इसलिए
मन महाप्रभु के संग से ये उनका पूरा का पूरा परिवर्तन हो गए और जुजल किशोर के सेवा में आ गए। गोपाल मंडल गोस्वामी अपने जिसमें यदि कोई प्रश्न हो तो तुम लोग याद रखना पीछे, यदि कोई कह दे जो तुम विद्या के रूप में तो वो ठीक, तो फिर क्या होगा? तो फिर उनको ऐसा क्यों कहते हो? अभी कर दूं या मेरा बोलने की इच्छा उत्तर दो? देखिए कल प्रश्न का उत्तर देने वाले पहले पिछले प्रश्न पूछा गया, प्रबोधानंद सरस्वती एक दुर्गोविद्या जी थे और गोपाल भट्ट प्रदर्शनी गुणमंजरी थे, और यदि उनका सिद्ध स्वरूप लिया जाए तो हम उनसे कोई सीख नहीं सकते हैं, उनका साधन रूप को देख करके ही मुझे सीखना पड़ेगा। जैसे रूप का सही पाल इनके दो स्वरूप है, साधक शरीर सिद्ध शरीर, और उनके सिद्ध शरीर को हम लेंगे और साधक शरीर को हम अवहेल करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, तो हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, भजन राज्य में बढ़ नहीं सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए बताया सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चतुर्थ ही, दोनों भाव को लेना पड़ेगा। जब आप साधक रूप में है तब आपके साधन रूप को लेना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो रूप के सही पाल महाप्रभु का नित्य परिकर है और जुगल किशोर नित्य परिकर है, तो महाप्रभु क्या देगा कि प्रयाग में 10 दिन रह करके उनके अंदर प्रेरणा देने की? क्या कुछ नहीं जानते थे? सनातन गोस्वामी में 2 महीना रह करके शिक्षा दिया, क्या सनातन गोस्वामी लवाना बन गए? एवं श्रीमद महाप्रभु का नित्य परिकर होकर के क्या कुछ नहीं समझते थे? जब इनका जो सिद्ध स्वरूप था वो तुम विद्या का था, ये बात ठीक है, इसलिए ये दिखला रहे हैं कि यदि दूसरे संप्रदाय में भी कोई जाए तो वहां तक तो आना पड़ेगा, उसमें भी तो अनर्थ निवृत्ति और ये सब चीजें हैं, और प्रेम तक तो वहां पर ठीक, इसके बाद में जब वहां के बाद में होगा तब महाप्रभु या उनके भक्तों के साथ में भेंट होगा, तब वो दिखलाएंगे जो कैसे इसमें तब संभव। वो दूसरे संप्रदाय में पहले थे किंतु दिखला जो वैसा होने से भी वहां तक तो ठीक था, इसके बाद में महाप्रभु के संग से इधर में आ गए, ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों का हो। स्वरूप में जब सेवा कभी तो आए तो महाप्रभु तो पहले से था, किंतु जैसे साधक कोई है मान लिया कि जैसे वो गोपी भाव से उसके स्वरूप में है नित्य सिद्ध, किंतु पहले वो कहीं भी जा सकते, फिर धीरे धीरे इस संप्रदाय में होने पर भी वो दास्य रस के किसी गुरु से वो दीक्षा ले सकता है, कोई गर्ज नहीं। फिर वहां तक सिद्धि होने के बाद में शिक्षा गुरु के रूप में भागवत परंपरा में फिर उससे ऊपर हो सकता है कि शक्कर रस है कि किसी गुरु से ले लें, किंतु तब तक उसको तृप्ति नहीं होगी जब तक कि गोपी भाव वाले गुरु के पास मिल नहीं जाएगा। मुझे तो गुप्त बात तो दिखा नहीं सके, ऐसा हो सकता देखते हैं। ये सब संदर्भ को कारिका के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी प्रस्तुत करके रखा था, पीछे से श्री जीव गोस्वामी पर इसको विस्तार करके और विषय के अनुक्रम से इनको वर्तमान जो उसका प्रदान किया खुश है। इसके बाद में जो बाकी रह गया या इसमें कोई और विशेष उनकी बात है, हमारे रसानंद ब्रह्मचारी जी कुछ कर। कुछ इसमें भी कुछ कहने की बात है तो, और इसके बाद 15 मिनट इसके बाद में दूसरे बतला।